राम 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 राम। राम राम दोस्तों, मैं भगवान राम का वंशज अभय वीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको प्राण प्रतिष्ठा कार्यों के बाद राम मंदिर निर्माण कार्यों के नए अध्याय के शुभारंभ एवं सबसे नए निर्माण कार्यों के संबंध में सबसे नवीनतम एवं एक्सक्लूसिव जानकारी प्रस्तुत करूँगा। 16वीं सदी में प्रभु श्री राम के मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले हजारों शूरवीरों के प्रतीक इस चैनल में प्रभु श्री राम की आत्मा का वास है, और जहां आत्मा का वास होता है वहां परमात्मा की अपार कृपा दृष्टि अवश्य प्राप्त होती है। अतः इस चैनल से पूरी आत्मीयता एवं श्रद्धा भक्ति भाव से जुड़े और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखें। प्रभु श्री राम के मंदिर के भव्य उद्घाटन के बाद राम मंदिर निर्माण कार्यों के नए अध्याय का शुभारंभ हो चुका है, और विगत 3 दिनों से यानी 10 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक निर्माण कार्यों को पर्याप्त गति प्रदान की जा रही है। और आप सामने देख सकते हैं यह राम मंदिर के गर्भगृह एवं राम मंदिर के गूढ़ी मंडप का परिदृश्य है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गर्भगृह के शिखर में जो पर्दे एवं लकड़ी से संरचना निर्मित की गई थी अब उसे धीरे धीरे हटाया जा रहा है, और साथ ही गूढ़ी मंडप के स्ट्रक्चर को भी हटाने की प्रक्रिया चल रही है। सामने आप देख सकते हैं कि सेकेंड फेज के निर्माण कार्यों में अब गर्भगृह के शिखर को जो कि लकड़ी एवं पर्दे से निर्मित किया गया था उसको हटाने की प्रक्रिया शीघ्रता से संपन्न की जा रही है, और इसको हटाने में किसी भी प्रकार की बाधा भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गर्भगृह के छत का निर्माण कार्य हो चुका है। अब इसके शिखर का निर्माण कार्य द्वितीय तल के निर्माण कार्यों के बाद ही हो पाएगा, और यह प्रक्रिया 2025 तक ही संपन्न हो पाएगी क्योंकि उससे पहले गूढ़ी मंडप के शिखर का निर्माण कार्य किया जाएगा। और आप सामने देख सकते हैं कि गूढ़ी मंडप पर जो भी पर्दे लगाए गए थे अब उनको हटाए जाने की प्रक्रिया शीघ्रता से की जा रही है। सामने दिख रहा जो सबसे नवीनतम परिदृश्य है वह श्री राम जन्मभूमि परिसर के ठीक पश्चिमी दिशा में स्थित गर्भगृह के परिक्रमा पथ के निर्माण कार्यों का है, और यहाँ आप सामने स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि गर्भगृह के जो परिक्रमा पथ है वह पूरी तरीके से ओपन एरिया बना है, और यहाँ पर खिड़कियों पर अभी भी निर्माण कार्य नहीं हो पाए हैं। अतः यहाँ पर आए दिनों बंदरों की आवाजाही लगी रहती है, और गर्भगृह से सटा हुआ क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर दिन प्रतिदिन बंदर प्रवेश कर जाते हैं। अतः सुरक्षा कारणों को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर जल्द से जल्द खिड़कियों को लगा दिया जाएगा, और आप सामने देख सकते हैं कि इसके ऊपरी तल पर भी अभी तक खिड़कियाँ नहीं लगाई जा सकी हैं, और उम्मीद है कि दोनों तलों पर खिड़कियाँ शीघ्रता से लगा दी जाएंगी ताकि राम मंदिर को पूरी तरीके से सुरक्षित बनाया जा सके, और यहाँ पर राम दरबार को भी विकसित करने के लिए भव्यतम योजना तैयार की जा रही है। और राम दरबार में मुख्य रूप से प्रभु श्री राम लला की मूर्ति किस प्रकार से होगी इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि राम लला के शिव विग्रह के निर्माण कार्यों के लिए 3 मूर्तिकारों की टीम को बुलाया गया था, और जिसमें अरुण योगी राज की मूर्ति को ही चयनित किया गया, लेकिन जो अन्य मूर्तियाँ निर्मित की गई थीं उसमें से एक मूर्ति सत्यनारायण द्वारा निर्मित प्रभु श्री राम लला की विग्रह प्रतिमा थी, और जिसका निर्माण कार्य उसी दौरान ही पूर्ण किया गया था, लेकिन शायद अब इसे श्री राम जन्मभूमि के राम दरबार में ही इसको स्थापित करने की भव्यतम योजना बनाई जा रही है। सामने दिख रहे नवीनतम परिदृश्य में आप देख सकते हैं कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माण कार्यों के लिए श्रमिकों की आवाजाही तेजी से चल रही है, और लगभग 500 की संख्या में
श्रमिकों को श्री राम जन्मभूमि परिसर के सेकेंड फेज के निर्माण कार्यों के लिए प्रवेश दिया गया है और यह सभी श्रमिक प्रथम एवं द्वितीय तल के निर्माण कार्यों के साथ ही पदकोटा परिसर के प्रवेश द्वारों के निर्माण कार्यों के लिए पूरी तरीके से तत्पर रहेंगे। निर्माण कार्यों के विषय में राम मंदिर निर्माण कार्यों की कार्यदायी संस्था LNT ने हमें जानकारी प्रदान की कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में सेकेंड फेज के निर्माण कार्यों के लिए 90 दिन की अवधि रखी गई है और उम्मीद है कि प्रथम एवं द्वितीय तल के छत निर्माण कार्यों के लिए लगभग 3 महीने का समय पर्याप्त है और इसके समय सीमा के भीतर ही इन निर्माण कार्यों को पूर्ण कर लिया जाएगा और 3 महीने के बाद परकोटा के निर्माण कार्यों को भी पर्याप्त गति प्रदान की जाएगी और सभी निर्माण कार्य साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन जो मुख्य फोकस है वह प्रथम एवं द्वितीय तल के निर्माण कार्यों का है ताकि राम मंदिर भव्य स्वरूप में धीरे धीरे अपनी ओर आगे बढ़े। दोस्तों, प्रभु श्री राम के मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यों के बाद प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के नए अध्याय के शुभारंभ के विषय में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है कि रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कार्यों के बाद दर्शनार्थियों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए श्री राम जन्मभूमि परिसर में व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं और इसके साथ ही सामान्य के साथ साथ विशिष्ट जनों को भी आराम से रामलला के दर्शन प्राप्त हों इसके लिए भी कई प्रकार से योजनाबद्ध ढंग से तैयारियां की जा रही हैं और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने विशिष्ट जनों के लिए अलग से एक लेन निर्मित कराई है और मंदिर के सिंह द्वार से लेकर के गूढ़ी मंडप तक विशिष्ट लेन तैयार हो गई है और इसी रास्ते से जाकर के सामान्य भक्तों के समानांतर ही विशिष्ट जन भी रामलला का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और नित्य बड़ी संख्या में राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और बिरला धर्मशाला से लेकर के मंदिर के अमावा मंदिर के समीप स्थित चेक पॉइंट तक लोग कड़ी सुरक्षा में जाते हैं और सुरक्षा बलों की निगरानी से गुजरने के बाद भक्त राम मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं और अव्यवस्था न फैले इसके लिए 3 लेन में बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ लोग मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ करके सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं और यहाँ पर 2 प्रवेश पॉइंट हैं और एक से सामान्य जन प्रवेश करते हैं तो दूसरे से विशिष्ट जन और गर्भगृह के सामने गूढ़ी मंडप तक विशिष्ट जनों के लिए स्टील की बैरिकेडिंग की गई है और इसी रास्ते से रविवार को मुख्यमंत्री समेत सभी विधायकों ने दर्शन किए थे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मैं एक पूर्वज जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि यदि आप सामान लेकर के श्री राम जन्मभूमि परिसर में ना आए तो वे शीघ्रता से रामलला सरकार का दर्शन कर सकेंगे और इसके लिए अलग से एक फास्ट लेन बनाई गई है और जबकि सामग्री लेकर आने वाले भक्त पहले यात्री सुविधा केंद्र जाते हैं और लॉकर में अपनी सामग्री रख करके फिर दर्शन मार्ग की ओर बढ़ते हैं और इसमें काफ़ी अधिक समय व्यतीत होता है। अतः मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप कम से कम सामान लेकर आएं और रामलला के शीघ्रता से दर्शन प्राप्त करें। राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर बनाने की संकल्पना साकार सिद्ध होती हुई दिख रही है और आप सामने देख सकते हैं कि दक्षिण के प्रसिद्ध संत प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव जी ने सोमवार को रामलला के दर्शन प्राप्त किए और सदगुरु ने राम मंदिर के निर्माण को भारत की सभ्यता का ऐतिहासिक क्षण बताया और उन्होंने यह भी कहा कि यह क्षण 500 सालों के संघर्षों के बाद आया है और राम निश्चित रूप से अतीत से आई हुई प्रेरणा हैं, लेकिन भविष्य के लिए भी वह अत्यधिक प्रासंगिक हैं। राम 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 राम।
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम कई मायनों में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भविष्य होने चाहिए और इस बात को केवल किसी की पूजा करने के संदर्भ में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए और प्रभु श्री राम के जो आदर्श और उनके मूल्य हैं उनको अनुकरण करना और मनुष्य के उस स्वभाव का अनुकरण करना जिसके अंदर जीवन की किसी भी परिस्थिति में अपना रास्ता चुनने की स्वतंत्रता है। कि श्री राम मंदिर कोई पत्थर का मंदिर नहीं है बल्कि यह त्याग बलिदान एवं संघर्षों का प्रतीक है जिससे सभी प्राणियों को सीखने की आवश्यकता है। दोस्तों, प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यों के बाद राम मंदिर निर्माण कार्यों के नए अध्याय एवं निर्माण कार्यों के संबंध में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। राम राम। राम राम।